लंदन में एक कंसर्ट के दौरान इब्रार हक को थप्पड़ मारे गए। खबरें हैं कि थप्पड़ मारने वाले तहरीक इंसाफ के ही लोग थे। इस गैर इखलाकी हरकत के पीछे असल वजह क्या है, वो कौन शख्स था जो बुलंद आवाज में उकसा रहा था कि इसको थप्पड़ मारो, इन्होंने इब्रार हक का क्या हाल किया। इसके अलावा एक और तहलका खेज खबर ये सामने आई है कि इब्रार की बीवी के साथ पुलिस वाले ऐसी नजेबा हरकत करने वाले थे जिस पर मजबूर होकर इब्रार ने रोते हुए पार्टी छोड़ी और कहा कि ऐसा कुछ ना करना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, अभी घर आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए देता हूं, इससे पहले बताऊं कि वो गैर इंसानी गैर इखलाकी सलूक और किस दर्जे की घटिया हरकत इब्रार की बीवी से की जाने वाली थी, किस वजह से लंदन में इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हुआ कुछ यूं कि लंदन में इब्रार हक ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड एक्सपो के जेर एहतमाम कंसर्ट में परफॉर्म किया, जहां पर इब्रार हक के शो के दौरान तलख कलामी और झगड़े जैसा काबिले मजम्मत मामला पेश आया। इस दौरान लोगों ने इब्रार हक पर वार करने की कोशिश भी की। एक शख्स मुसलसल हिदायत कर रहा था कि इसको थप्पड़ मारो, इसको थप्पड़ मारो। खैर, इब्रार हक के हामी और मुखालिफिन में खूब थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश हुई, जिसके बाद इब्रार हक की सिक्योरिटी के लोग इनको वहां से भगा कर ले गए, मगर फिर बाहर भी इब्रार हक को घेर लिया गया और इब्रार हक साहब डरते हुए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पे जमा थे, वो अपनी गाड़ी से ही नहीं उतरे। बाद अजा पुलिस को जो है बुला लिया गया और फिर उसके बाद ये मामला जैसे कुछ ठंडा हुआ तो इब्रार हक जो है अपने होटल की तरफ रवाना हुए। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्यों? लोगों को दरअसल इब्रार हक साहब से गिला किस बात का है? इनका गुस्सा ये है कि अभी तो दो दिन ही गुजरे हैं, ये शख्स पार्टी छोड़ते हुए आंसू बहा रहा था, मगर इतनी जल्दी इसको कंसर्ट की पड़ गई, तो लहजा ये भी खान साहब के मुताबिक कुछ लोग बेनकाब हुए और कुछ लोग मजबूर हैं, तो ये उन लोगों में है जो लोग बेनकाब हुए हैं। जहां तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स इनको बदतरीन तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं पर नून लीग वाले कैसे पीछे हट सकते थे? किसी ने कहा कि ये मुनाफिक है, विकेट के दोनों जानिब खेल रहा था, किसी ने बोला ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। एक पीटीआई मुखालिफ सहरा अंदोर लिखता है कि इब्रार हक को जरूर एहसास हुआ होगा कि कौन सी वाहयात गलीज और गंदी नस्ल इन लोगों ने परवान चढ़ाई है। तहरीक इंसाफ के टाइगर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लंदन में अलीम खान के प्रोग्राम में नाचने के बाद इब्रार हक डर के मारे गाड़ी से नहीं उतर रहा, सलाम है इन पाकिस्तानियों पर जो इस मुनाफिक को भगा रहे हैं। दो दिन रोते हुए तहरीक इंसाफ को छोड़कर भागने वाला इब्रार हक लंदन में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड एक्सपो के जेर एहतमाम कंसर्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए। एक और सारिफ ने लिखा कि हाल यही होता आया मुनाफिकों का, यकीन नहीं आता कि दुनिया की बदकिस्मत तरीन कौम जो मोहम्मद बिन कासिम के आन से इस्लाम तो ले आई लेकिन ईमान नहीं। मेरा कोई फतवा नहीं, लेकिन जो मुल्क का हाल है, जज बदतरीन, जर्नैल बदतरीन, सियासतदान बदतरीन, बदतरीन अवाम, बदतरीन मौलवी, जिस काम से रोका इस्लाम ने उसका उल्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मीडिया से गुफ्तगू सुने, जिसमें सहाफी सवाल करता है कि आपको तो खान साहब ने बहुत ज्यादा अहमियत दी, लाहौर से इलेक्शन लड़वाने जा रहे थे, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? क्या आप 9 मई से पहले जहन बना चुके थे? जो आप सुने जरा इब्रार साहब का कि उन्होंने क्या कहा था। 9 महीने चेंज कर दिया, 9 महीने या उससे पहले से चेंज हो रहा था? काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, 9 महीने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। और उससे पहले से एक वेव तो बन रही थी? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था। देखिए, इनके बयान से वाजे तौर पर ये एहसास होता है कि इनका 9 मई से पहले तो कोई प्लान नहीं था। बाकी जिस तरह इन्होंने 9 मई की मजम्मत की है, सच कहूँ तो मुझे जाती तौर पर सिर्फ इनके नहीं बल्कि हर तहरीक इंसाफ के रहनुमा के, जिसने पार्टी को नहीं सियासत को ही खैराबाद कह दिया, इनके आंसुओं में बोले गए ये अल्फाज के 9 मई को जो हुआ बहुत गलत हुआ, इनको सजा मिलनी चाहिए। मुझे जाती तौर पर यूं लगता है कि जिस तरह आवाम भी सोचती है कि कुछ वीडियोस भी जिस तरह के सामने आई है और उनसे मैसेज मिलता है कि करवाने वाला कोई और ही है, तो इनका इशारा उनकी तरफ ही होता है कि 9 मई की तकलीफ दे जो है काम हुआ है, जो उसके लिए जो है मतलब कि जिस तरह गिरावट का शिकार हो चुके हैं, जिस तरह का इंतहाई गलीज पन ये किया है, जिसने भी किया है, तो ये
उसको कह रहे होते हैं कि भाई उनको जो है करार बार सजा देनी चाहिए, और 9 मई का वाकया वाकई हमारे लिए एक स्याह धब्बा होगा। और ये सब एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए किया गया। अच्छा, मुझे गिला यह है कि कोई भी हालात की संगीनी को नहीं समझ रहा, कोई भी उस सतह पर जाकर इन लोगों का, सबका नहीं मखसूस लोगों का दर्द नहीं समझ रहा, जहां से असल में इनको मजबूरी, इनकी लाचारी, इनकी बेबसी का एहसास हो। खबर यह है कि अगर और अगर सच है, क्योंकि श्री मजारी हो, उस्मान डार हो, मलेका बुखारी हो, शहरियार अफरीदी हो, या बाकी देगर लोग जिन्होंने आंसुओं के साथ पार्टी को क्या सियासत पर लानत भेजते हुए अलविदा कह दिया, इन सब के बारे में पहले ही खबरें आ चुकी हैं कि किसी की बीवी के कपड़े उतारने की धमकी दी गई, किसी के बीमार 13 साल बच्चे को जेल में डालने की धमकी दी गई, तो किसी की बेटी को नंगा करके वीडियो बनाने की धमकी दी गई। ये सब क्या किया करते हैं, बहुत मुश्किल है ऐसे हालात में खड़े रहना, जब लंदन फ्लैट जैसे, आशियाना स्कीम जैसी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बेशुमार जो है फायदे आपने ना उठाने हो और ना ही आने वाले वक्त में उठाने का मूड हो, तो जाहिर बात है कि आपके लिए स्टैंड लेना जरा मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरह की खबरें ही इब्रार साहब की फैमिली के हवाले से भी हैं। सराय का कहना है कि इब्रार हक के घर रेड हुई तो डीएसपी ने मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को फोन किया। इन्होंने कहा कि इसकी बीवी के कपड़े उतार दो, खुद आएगा। इसकी बीवी ने रोते हुए इब्रार को ये बताया तो उसने पुलिस को कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ, मुझे माफ कर दें। फिर वो घर जाने के बजाय सीधा प्रेस क्लब गया। अब खुदा ना खास्ता इसमें एक रत्ती बराबर भी सताकत है तो इब्रार यहां पर क्या करता। इनके लिए सब करना मामूल की बात है। कितने ही केस है पुलिस के हवाले से, कितने ही लोग ये दावा कर चुके हैं। इस तरह तो शायद जिया के 32 मार्शल्ला में भी नहीं हुआ होगा, ना ही 1971 में इस तरह का कोई बदतरीन जो है अपने ही पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक हुआ होगा। ये जुल्म तारीख का हिस्सा बन चुका है और तारीख कभी भी किसी को माफ नहीं करेगी। परसों नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की गोद में थी, फिर इनको किक करवाएगी। कल पीटीआई इनकी गोद में थी, इनको भी किक करवाएगी। आज 14 जमातें इनकी गोद में है। याद रहे, जिनकी गोद में बैठकर उछल रहे हैं यही लोग नवाज शरीफ को 2 बार मुल्क से निकाल चुके हैं, ये दोबारा भी होगा। और फिर आने वालों में कोई फरिश्ते नहीं होंगे, यही लोग होंगे, यही सियासतदान होंगे, ये भूलेंगे नहीं, इससे बदतरीन मिसाल कायम करेंगे। लहजा जो हो चुका खत्म करके माफी मांगी जाए और इसी को काट कर गुनाहों का अजाला किया जाए, वरना सकत नहीं होगी कि इससे ज्यादा बोझ जो है आप लोग बर्दाश्त कर सके। आप लोगों का इब्रार के बारे में क्या कहना है कि वाकई वो इस तरह की उनको जो है किसी तरह की जो है थ्रेट हुई थी, और क्या इस तरह की थ्रेट मुमकिन है, और जिस तरह का इनके साथ जो है वहां पे लंदन में जो वाकया पेश आया, क्या वो तहरीके इंसाफ वालों को या किसी दूसरी पार्टी वालों को जेब देता है, और इसमें कौन मुलविस हो सकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें।